على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِزُونَ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دیبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اللہ تعالی دا بے حد شکر ہے کہ رب العالمین نے خطبہ جمعہ دی ادائیگی واسطے بلکہ اس طرح کہیے کہ بہت بڑے فریضے دی ادائیگی واسطے اپنے گھر اندر بلایا اور چنیا دعا ہے اللہ جس طرح توفیق دیتی اور سانو پسند فرمایا کہ اپنے گھر بلا لے ہے رحمان اسی طرح ہی قیامت والے دن اپنی جنتاں دا بھی مہمان بنا دے حضرات رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے
बहुत वास और बयान सुन चुके हैं कि रमजान मुबारक दे रोजे रखना कितना सवाब है। एदे अंदर कुरान दी तलावत करना कितना अजर व सवाब वाला अमल है, ये भी असा सुन चुके हैं, बल्कि जान चुके हैं कि असी अल्लाह दे रस्ते अंदर रमजान मुबारक अंदर खर्च करांगे तो कितना मकाम है, कितनी शान है और कितना अजर है। मैं तो इस तरह बल्कि कहना शुरू कर देता है, उलमा की कमी नहीं, इलम की कमी नहीं, हर इंसान को तकरीबन इलम जानद है। जड़ा बंदा जान और इलम रखद है ओदे अंदर मैं समझना इलम की कमी नहीं, अगर ओदे अंदर भी कमी है तो अमल की कमी। हर एक तो दूसरा इंसान बहुत बड़े बड़े फतवे देने वास्ते बैठा है, ऐ भी इंजे वो भी इंजे फला इस तरह। मैं ये जानना इस तरह बात नहीं बननी, फतवे देन तो आप ब्रेक लगाइए, अमली नमूना पेश करिए। हर बंदा, मैं भी ये अंदर शामिल हाँ, जो बयान करना है, जो वाज करना है, ओदे ते पहले अमल कीता होए फिर अगले बंदे नू दसो और बयान करो, ओदे अंदर मजा है और तुहानू भी अजर मिलेगा, अगले बंदे नू भी अजर मिले। और जदो अमल खुद करके अगे बयान करांगे अगले बंदे ते भी फिर असर होएगा, कुरान सुनान दा भी असर, हदीसा सुनान दा भी असर। बद अमली साढ़े अंदर इंतहा दर्जे दी है। वेखो रमजान मुबारक दा महीना आया, कितने आसान रोजे ने, कितने आसान। ठंडा मौसम, कोई गर्मी नहीं, कोई ऐसी इस किस्म की कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर टटोले आ जाए, छानबीन कीती जाए, अपने इस कॉलोनी के अंदर ही, अपने इस इलाके अंदर ही, इलाके की भी बात दूर दी है, बिल्कुल करीब तो जड़े साढ़े प्यारे करीबी ने ताल्लक ज़्यादा उन्हां नाल है, उन्हां नू अगर पुछिए ना, दस बंदियां नू पुछोगे तीन बंदियां नू रोज़ा होएगा, सत्तां नू रोज़ा कोई नहीं। वजह क्या? कोई वजह नहीं। वजह पुछोगे वो झट लाएगा, ज़ेहन च लियाएगा वजह की है, मैं रोज़ा क्यों नहीं रखिया। ये तो मालूम ही होता है ना, कोई मजबूरी नहीं, कोई उजर नहीं, उन्हें उस टाइम उत्थे उजर करना है तो फिर अगे तेन दसना है कि भाई मैनू आ मजबूरी सी। मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमानों का इलाका है, मोमन ने कलमा गो ने तो फिक्र करनी चाहिए है। कदे सोचया कर बैठ के क्यामत दियाँ कितनियाँ सख्तियाँ हो गईं, क्यामत वाले दिन दे मुतालक कदे सोच लिया कर के ओदियाँ हौल नाकियाँ किस तरह दियाँ। ओ क्यामत दा दिन इतना भारी और इतना सख्त होएगा, अंबिया तो बड़ा कोई शोभा होर दुनिया ते मौजूद नहीं, लेकिन क्यामत वाले दिन
अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम उस दिन नजर आएंगे ते अखां चो आंसू बहांदे नजर आएंगे। हालांकि अंबिया दा बड़ा मौका बड़ी शान है, लेकिन हर नबी परेशान नजर आएगा, हर बंदा हर फर्द बशर हर मर्द औरत परेशान नजर आएगी। भाइयों उस दिन दे मुतालिक सोचे आ जाए, फिकर कीती जाए कि जिस दिन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम फरमानगे आज असी भी अग्गे बढ़ के अल्लाह दे हाँ सिफारिश नहीं कर सकते, क्यों? अर्श वाला रब आज इतना गुस्से दे अंदर है, इस तरह कदे पहले गुस्से अंदर नहीं आया। हजरात क्यामत दा मंसर अखां दे अंदर दौड़ाना, क्यामत दे जनाब मंसर और ओदियां सख्तियां और हौलनाकियां ओदे मुतालिक सोचना, अपने दिलो दिमाग अंदर बात नू रिपीट करना, क्या बनेगा कि जिस दिन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम परेशान होंगे अखां चो आंसू बहांदे होंगे, मेरा तेरा उत्थे क्या बनेगा? उलामा हाजी साहबान ने कुर्रा इकराम दा शोभा नेक लोगां दा शोभा, भाई और शोभिया नू की करना है? जिथे अंबिया इकराम परेशान होन उथे अज दे उलामा खुताबा मुफ्तियान और हाजी साहबान एक ही चीज ने। अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाया वो दिन कितना सख्त, रब फरमांदे ने प्यारे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दियो, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास रब्बकुमुल्लज़ी खलकक़ुम والذين من قبلكم لعلكم تتقون। इस दुनिया आरजी जिंदगी दे अंदर दुनिया दे अंदर मुत्तकी बन जाओ, तकवे वाले बन जाओ, रहमान तो डरन वाले बन जाओ, नहीं ते आखरत दियां सख्तियां बढ़ियां जे, आखरत दियां मंजिलां बढ़ियां औखियां ते मुश्किल जे। क़यामत दे बारे रहमान ने फरमाया इक़तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए दुनिया वाले तुआडे हिसाबो किताब दा दिन बिल्कुल करीब है, तुआडे हिसाब दा जदों सा दा हिसाब लैना है ओ हिसाब वाला दिन बिल्कुल करीब जे, ओदे मुतालक सोचो ते फिकर करो। मेरे रहमान ने बात समझाई, फरमाया दुनिया वाले उस दिन तो जनाब एराज ना इख्तियार करे आजे, उस दिन नू ना बुलाया जे, वो दिन क्यामत दा बड़ा भारी होएगा, क्यामत दा दिन बड़ा सख्त होएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आओ ना ते कुरान दा दूसरा मकाम सुनिए, अल्लाह जुल जलाल वाली कराम फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतनज़ुर नफ्सुम मा कद्दमत मत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून।
नाजुल जलाने वाली कराम दा कुरान झंझोड़ रहा है ते बतला रहा है। फरमाया ईमान वाले और रहमान कोलो डर जाओ। अगे फरमाया वल तनजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, ते नाल ए वी ते दसो ना तुसी अपने लई कल क्यामत दे अगे भेजिया किस की चीज की कमाया ते की खोया की पाया दे। फरमाया वल तनजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, अगे की भेजिया कल क्यामत दी तैयारी की थी ये के कोई ना। अल्लाह सुलजलाल ने बार बार इस बात का तस्करा फरमाया दुनिया वाले हो ईमान वाले हो तुहानू डर जाना चाहिदा है। इस दुनिया ते आन के तुसी बुलाया क्यामत दे दिल नो, दुनिया ते आके ऐशो इशरत अंदर जनाब मगन हो गए ते क्यामत दे दिल नो बुला दिता जे। फरमाया नहीं 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 बुलाना चाहिदा, क्यों ओ दिन बड़ा भारी है, ओ दिन बड़ा सख्त है, क्यामत दियाँ हौल ना किया। अल्लाह मेरी तौबा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वाले ए ना होए के तुसी भुला बैठो आखरत नो। अल्लाह अकबर, दुनिया दे माल दे अंदर मसरूफ हो जाओ, माल कमान दे अंदर मसरूफ हो जाओ, किते तुहाडी औलाद नहीं तुहानू मैं रहमान दे जिक्र तो जनाब तुहानू अलहदा ना कर दे, तुहाडा रुख ना तब्दील कर देवे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने वाज़े बयान फरमाया ईमान वाले नू डर जाना चाहो किते तुहानू हलाकत ना तुहाडा माल पा दे, तुहानू हलाकत ना पा दे तुहाडी औलाद। अल्लाह दे जिक्र तो जनाब मुंह मोड़ लवो, दुनिया दे कम काज अंदर मसरूफ हो के मालो दौलत कमान अंदर मसरूफ हो जाओ ते आखरत नू भुला बैठो, ऐसा ना किते हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह आउना मेरे रहमान ने बतलाया उस दिन का तस्करा कर दिया ना, कुरान ने इस अंदाज नाल तस्करा कीता। फरमाया प्यारे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बतलाओ इन्हानू ओ क्यामत दा दिन कितना सख्त है कितना भारी। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। अल्लाह सुलजलाल वल इकराम दा कुरान सुने उस दिन नू याद करो ना, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा जदों जमीन हिला दिती जाएगी, जदों जमीन ते जलजला तारी हो जाएगा। ओ जलजला किंजदा ते अज भी जलजले आउंदे ने ना। अल्लाह अकबर। ए ना समझ बैठे आज के हुन जलजला आउंदा ते जनाब थोड़ा बहुत ही जमीन हिलदी है ते रुक जांदी है, ओए थोड़ा जा हल्का जा जलजला आए ना ते जनाब असी घर छड़ दे असी मकान छड़ के ते बाहर चटियल मैदान निकल जाने किते ऊपर में जनाब मकान ही ना गिर जान। अल्लाह अकबर। ए इंज दा ओ जलजला इस तरह दा जलजला नहीं होना। फरमाया ओ ते जलजला बड़ा सख्त होएगा, इला जलजला तिल अर्जु जलजाला व अखराजा तिल अर्जु अस्काला। वो जदों जलजला आएगा ना जमीन अपने बोझ निकाल के सामने रख देवेगी ते बंदा कहेगा वकालल इंसानु मालगा, हाय अल्लाह ऐ ते ओ माले जड़ा मैं दुनिया ते कमांदा रहा, ए ते ओ माले
जड़ा मैं दुनिया ते जनाब दिन रात कमांदा रहा। वकाल अल इंसानु मा लगा यौम ए दिन तो हद्दसु अखबार। उस दिन सारे जनाब दुनिया दे मामला जो दुनिया ते गुजारिया होएगा या कीता होएगा सारिया ही खबरां वाजे हो जाएंगियां ते इंसान बड़ा ही परेशान हो जाएगा। अल्लाह ऐ की बन गया है, इतना सख्त जलजला, इतना भारी जलजला। अल्लाहु अकबर अल्लाह दे सोनिया, इतना सख्त जलजला होएगा। हमला अपना हमल गिरा देवेगी, दुध पींदे बच्चों मावां गिरा देनगियां ते भुल जाएंगे सारे। जनाब बाप बेटे नूं भुल जाएगा, बां जनाब मां बेटियां नूं भुल जाएगी। इंज कहो औलाद मापिया नूं भुला देवेगी ते मापे औलाद नूं भुला छड़नगे। हर किसे नूं अपनी अपनी पै जाएगी। अल्लाह अकबर अल्लाह, सख्त इन्ना दिन होएगा, इन्ना भारी दिन होएगा। याद आए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहो, वो सख्त जनाब क्यामत दे दिन दियाँ सख्तियाँ याद करके एक दिन प्यारे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अनहो इंज गुजरते पे हुए। इंज जनाब दरख्त परिंदा बैठा होया है ते हजरत सिद्दीक अकबर कहिंदे ने रजी अल्लाह ताला, कह दो रज़ी अल्लाह ताला अनु। हालांकि प्यारे सिद्दीक का मकाम बड़ा है, प्यारे सिद्दीक की शान बड़ी है, लेकिन उन्हों का हाल एवे आखरत दे क्यामत दे दिन दे बारे उन्हों याद करके ते किस तरह अपनी ख्वाहिश का इजहार करते ने। आंदे ने काश के मैं परिंदा हुंदा जड़ा ए दरखत ते बैठा है। अल्लाह अकबर अल्लाह के दरखत ते बैठा परिंदा इस दरख्त का फल खा लेंदा ते लोग मेरा शिकार कर लेंदे ते मैनू भी खा लेंदे। ना अबू बकर हुंदा ना क्यामत वाले दिन हिसाब किताब देना पैंदा, ना उस दिन अल्लाह दे दरबार अंदर हाजिर होना पैंदा। मेरे प्यारे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंज दी ख्वाहिश की। हालांकि प्यारे सिद्दीक का मकाम एवे, अगर नबिया दे बाद मुकाम ते शान और मरतबे ते मेरे सिद्दीक दाए रसी अल्लाह ताला अनहो। अल्लाह अकबर जिन्हों रब कवे के सिद्दी के सच्चाए हक ते वे ते ओना दिए ख्वाहिशे सिर्फ आखरत दियाँ सख्तियाँ तो डरदे होया। असोने जरा गौर करने असी जनाब गुनाह करते थकते नहीं ते फिर भी फिक्र कोई नहीं कि असी मरना के कोई ना, असी जुर्म करते थकते नहीं फिर भी फिक्र कोई नहीं, नमाज दा फिकर सानू कोई नहीं, रोजे दा फिकर सानू कोई नहीं, कुरान दी तलावत दा फिकर सानू कोई नहीं। मौलवी जी करिए कि बच्चियां नू भी ते पालना है, रोजा रखिए या बच्चियां दा पेट पालिए। ओए सोनिया ये गल बिल्कुल गलती, तेरे रिजक ते तेरे बच्चों दे रिजक दा जिम्मा तेरा नहीं, मेरे अर्श वाले रब दा जिम्मा है। ए ते तेरी गलत जनाब गल ते तेरा गलत बयान है कि रोज़ा रखिए या पेट बालिए। ना 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 सोनिया इंज ने करया कर। अल्लाह सुलजलाल ने फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ओ कमलिया मैं रहमान ते उन्हां परिंदियां नूं भी रिज़क खिलाना वा कि जेड़े रात नूं सौंदे ने अपने कौंसलियां दे अंदर, ना उन्हां ने जनाब कोई दाने स्टाक कीते ने, ना कोई दूसरा तीसरा जनाब राशन स्टाक कीता है, बल्कि वो मेरे ते ही भरोसा उन्हां नूं। शाम नूं आउंदे ने ते कौंसलियां दे अंदर रात गुजारदे ने, सुबह उठदे ने उड जांदे ने खान पीन वास्ते। मेरे ते भरोसा ओना कीता है, जदों वापसी जांदे ने अपना भी पेट भरिया हुंदा है ते बच्चियां वास्ते भी लै जांदे ने। रिजक कौन दिंदा है? ए बिल्कुल बात गलत है कि जनाब रोजा रखिए या पेट बच्चियां दे पेट पालिए। अल्लाह अकबर अल्लाह,
इस अपने अल्फाज और इन जुमलिया दुरुस्त करो, अपनी सोच ते फिकर बेहतर बनाओ। अल्लाह अकबर क़यामत दा दिन केड़ा, मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया वाले हो वो इन्ना सख्त दिन होएगा, हर कोई अपनी अपनी पई होएगी, हर किसे नु अपनी अपनी पई होएगी, नफ्सो नफसी दा आलम होएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह उते कोई हस्ती है जिनू उम्मत दा फिकर होएगा, ओदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ सोने ध्यान करना, इतने असी नहीं ना परहेज कर दे, चोरी इतने करी जा रहा है, डाका मारी जा रहा है जनाब, फराड की जा रहा है, धोखा दी जा रहा है, कानू कोई वेंदा पिया? नहीं नहीं कोई नहीं वेंदा, तेरी गल ठीक है, जिन्हें तेनू बंदा बनाया और रहमान ते वेंदा पे आए ना। सुनया जे ध्यान नाल, क़यामत दा दिन होना, मैं पढ़िया हदीस पाक अंदर, मेरे पाक पैगंबर ने सलातो सलाम फरमांदे ने, इंज जनाब लोग आए होंगे, एक आदमी आ गया क़यामत दा दिन है, सामने खड़ा है ते परेशान भी है, ते एक अल्लाह फरमान गे, हाँ बे की कमा के आया है, की लेके आया है? अल्लाह अकबर, अल्लाह ये अपने हीले बहाने तलाश करेगा, हीले बहाने बयान करना चाहेगा, गल करेगा, अल्लाह जी मेरे कोल ते कोई आया ही नहीं दसन वास्ते, मैनू ते किसे दसया नहीं के कबर दा भी मामला है, मैनू ते दसया नहीं जनाब हशर दा भी मामला है, मैनू किसे दसया ही नहीं के क़यामत आएगी बर्पा होएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुल जलाल फरमान गए, ओए गल्लां कर, सोच समझ के कर, हाँ हाँ अल्लाह जी इंज ही है। ते ये आखेगा, अल्लाह जी मैं गवाह पेश करा, रब फरमान गे, अल्लाह फरमा तू कोई गवाह पेश कर, इनू होर कोई गवाह नहीं, अपने जिसम ते नज़र दौड़ाएगा, अल्लाह जी मेरे अलावा बाकी सारे दुश्मन ने, मेरा जिसम ए होई गवाह है, अल्लाह जी हाथ गवाही देंदे ने, हाँ हाँ सानू सिरा सिराते मुस्तकीम वाला रस्ता दसन वाला कोई नहीं आया, सानू इलम ही कोई नहीं, ते पैर भी गवाही दे देंगे, अल्लाह सुल जलाल इंतजार करेंगे, ओ गल्लां कर लिया ही जी कर लिया ने, अल्लाह फरमानगे चुप कर फिर, अल्लाह एदी जबान ते मोर लगा देवेगा, जबान बंद हो जाएगी, गल्लां कर दिया कर दिया, अपने उजर पेश कर दिया कई गल्लां करेगा, जदों इहदियां गल्लां खत्म हो जाणगियां, रब अचानक ही जबान ते मोर ला छड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह क़यामत दा दिन होएगा, ये गल्लां करदा होएगा, अपने आप नूं शाह ते चलाक चतर तस्लीम करदा होया बड़ियां गल्लां करेगा। अल्लाह अकबर, जदों जनाब रब मोर ला देंगे, जबान ते बंद हो जाएगी, अल्लाह फरमान गे हथा नून बोल के दसो एक ही कम करदा रहा, बोल के दसो क्या दो नंबरियां कीतियां ने के नहीं, क्या ये सच कह रहा जो इन्हें अपनी जबान नल किया? नहीं नहीं रब जी सारा कुछ इलम सी, सारा पता सी, साडे कोलो चोरियां करवांदा रहा, पैरां नाल चल के दो नंबरियां चोरियां डकैतियां करवांदा रहा, हाथ दे खिलाफ बोल पैणगे जनाब, अखां भी खिलाफ, कन भी दे खिलाफ, अल्लाह जी की करिए असां ते मजबूर सा, एक गाने सुनदा रहा, फिल्मां ड्रामे अखां नाल वेंदा रहा, अल्लाह सोनिया हथां नाल चोरियां करदा रहा, पैरां नाल चल के जांदा रहा सी, अल्लाह जी ये झूठा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये सुन रहा होएगा लेकिन इनू हिम्मत नहीं होएगी कि बोल सके,
इनू कोई हिम्मत नहीं होएगी कि गल का जवाब दे सके। कुरान ने दसिया जे अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। डंडी मारना चाहेगा जबान नाल लेकिन हाथ पैर बोलनगे अल्लाह जी हाँ हाँ असी ए कम भी दो नंबर कीता है, ए कम भी असा दो नंबर कीता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह सुलजलाल फरमान गे हाँ भाई दस हुन की कीता जाए। ए जनाब रोएगा कुरलाएगा अल्लाह जी मैनू नहीं सी पता के इंज भी हो जाएगा। अल्लाह अकबर ऐसे बदनसीब न जड़ा दुनिया ते रह के मन मर्जियां कीतियां जिन्हें के आके वेखी जाएगी क्यामत वाले दिन, जिन्हें आके आके वेखी जाएगी आखरत वाले दिन। ऐसे बदनसीब नूं ज़बानों बंद करके एदे हत्थां पैरां तो शहादतां ते गवाहियां लैके अल्लाह सुलजलाल आर्डर जारी कर देंगे। ए सालम बेईमान दुनिया ते ते दो नंबरियां करदा रहा, दुनिया ते ते धोखा बाजियां करदा है, ते हुन मैं रब अगे भी धोखाबाजी तो बाज नहीं आ रहा। फरिश्तियां नूं आर्डर दिता जाएगा पुठियां करके जहन्नम अंदर सुट दे। अल्लाह अल्लाह फिक्र ही कोई नहीं, कोई सोच ही नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून थुम्मा कल्ला सौफा तालमून। कबर वाला मामला भी याद करना है ते किते अल्लाह फरमांदे ने फलाउला बालागतिल हुलकूम सोने जदों रूह निकली ते फिर जनाब अगलियां दे वस पै जाण, फिर सादा हिसाब किताब देना पैना। कदे फिकर ते कर कदे सोच ते सही ना। अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे तुहाडे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाल इस्लाम तस्करा करया कर देना कबर दे बारे, हशर दे बारे, क़यामत दे दिन दे बारे, ते सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अखां चो आंसू ज़ारो कितार ढुल दे, इंज अखां चो आंसू बरस दे जिवें सावन ते पादू दा मीह वसदा है। सहाबा इकराम इन्ना जनाब खौफ तारी हो जाना, हालांकि सहाबा इकराम ने ना रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अल्लाह फरमाते ने ये जमात जनती है। अल्लाह की फरमाते ने ये जमात जनती है। जिस रब ने जन्नत बनाई, जिस रब ने जहन्नम बनाई, और रब कह दे कि ये जमात जनती है, तो उन्होंने सामने तस्करा होए आखरत का, उन्होंने सामने तस्करा होए क्यामत के दिन का, तो वह जनाब रो रो के अपना हाल ही बिगाड़ लैन परेशान और अखा चो आंसू। अल्लाह अकबर असी गौर कीता कदे साढ़े पल्ले सिवाए गुनावां तो और कोई चीज़? सारे सूफी सनाउल्ला दी लड़ी चो लगदे हो। अल्लाह नेक अमाल दी तौफीक देवे, कह दो आमीन। अल्लाह अकबर मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने कुरान नाजल फरमाया, फरमाया दुनिया वाले सुन लो, क्यामत का दिन इन्ना सख्त होएगा कि दुध पिलान वाली माँ अपने जनाब बच्चे नूं भुल जाएगी, सुट देगी, उहदा फिक्र नहीं। हालां दुनिया ते बच्चे दे पैर ते कंडा चुभे माँ सदके ते वारी जांदियां नहीं थकदी, लेकिन क्यामत का दिन इन्ना सख्त होएगा कि जनाब भुला देगी अपने बच्चियां नूं,
ماں پلا دے گی فکر نہیں ہوئے گی فکر ہوئے گی صرف رب نفسی ہائے اللہ بس مینو بچا لے مینو بچا لے اللہ اکبر اللہ سونے ہو ایک اور صحابی ہے جدا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے کہ میں تن کا غندہ اے جڑا تن کا کدے صفحہ دے وے گئے میں تن کا غندہ کہ جناب لوگ نو پھوک مار کے اڑا دین دے میں کتے غیب وہ جاندہ نہ میرے کو پوچھوں دی نہ دسوں دی اللہ اکبر اللہ ایک اور اللہ والا بولے ہے وہ آندا ہے کہ میری خواہش ہے وے اللہ اکبر حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے میری خواہش ہے جے کہ کاش کہ میں مینڈا ہوندا مینڈا ایک جانور دا آندے میں مینڈا ہوندا او دی وجہ آندے نے کہ میں گھر اندر مینو پالیا جاندا ساڈے گھر مہمان آندے مینو ذبح کر کے مہماناں نو کھلا دیتا جاندا نہ ابو دردا ہوندا نہ قیامت والے دن اللہ دے ہاں پیش ہوندا اللہ اکبر کوئی نہیں واروں بندا اس جند نو مانیندا قیامت دا دن قیامت دا منظر پیش کیتا حضرت حافظ محمد شریف الہ آبادی سب کہو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ اور نہ کیا کہنا کوئی نہیں واروں بندا اج جند نو مانیندا لگی ہے پیاس کٹ ملدا نہیں پانی دا حضرت شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ پاک جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتاں دے نزول فرمائے انہاں او منظر حدیث بیان کردے ہم پیش کیتا بیان کیتا کیڑا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا لوگ مارے مارے پھر دے ہون گے لوگاں نو جناب زبان چو اے جاری ہوئے گا رب نفسی اللہ میری جان بچا لے اللہ مینو بچا لے کوئی پرواہ نہیں بھائی دی کوئی پرواہ نہیں باپ دی کوئی پرواہ نہیں اولاد دی رب نفسی اللہ مینو بچا لے تے جناب اے لوگ مارے مارے پھر دے ہونگے کوئی جناب پسینے اندر ڈبیا تے پیراں تک کوئی پسینے اندر ڈبیا تے جناب گوڑیاں تک کوئی پسینے اندر ڈبیا تے سینے تک کوئی جناب پسینے اندر ڈبیا تے گلے تک کوئی ایسا جناب سارا ہی پسینے اندر ڈبدا پھردا تے گوتے کھاندا پھردا ہے اللہ اکبر سونےوں اے گلاں کرنیاں تے سننیاں سوکھیاں نے لیکن او قیامت دا دن بڑا سخت تے پاری جے میرے پاک پیغمبر نے سلام فرماندے نے کہ جدوں اج لوگ مارے مارے پھرتے ہون گے نا ادھروں جناب گل کرے گا آدمی کہ آپ یار کچھ کریے کوئی ایسا بندہ سفارشی تلاش کریے کہ جڑا اللہ دے ہاں سفارش کر دے وے تے سانو معافیاں مل جان اللہ اکبر فیصلہ اے ہوئے گا حضرت آدم علیہ السلام کل چلے چلیے نا اونا دا جا کے ترلا کرنے ہاں ساڈے بابا جی نے تے او جدوں جناب سفارش کرن گے تے شاید رب سانو معاف کر دے وے تے سارے لوگ ادھر الٹ جان گے بابا جی آدم علیہ السلام دا ترلا کرن گے اللہ جی اے پیارے بابا جی تسی ساڈے باپ ہو تے اج بڑا سخت دن جے تے اساں بڑے پریشان تے اللہ دے ہاں ساڈے بارے سفارشاں کر دے ہو حضرت بابا جی آدم علیہ السلام دی اکھاں چو آنسو آ جان گے تے یاد کرن گے او میری اولاد اب ویکھو نا میں تے آں بڑا پریشان میرے کولو بھی خطا ہوئی سی پل ہوئی سی میں تے دعا کیتی سی نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اوئے
आदम अली सलाम कह रहे ने कि मैं अपने आप ते जुलम कर बैठा वा, मैं अपने आप ते वादा कर बैठा वा, और सोने गुनाह ही गुनाह ते कदे टस तो मस नहीं होया। हजरत आदम अली सलाम फरमान गए मेरी जुर्रत ते मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं रब दे हाँ सिफारिश करा, मैनू ते अल्लाह को हया आउंदी है, मैं केड़े मुँह लैके जाके अपने रब नू गल करा। हजरत आदम अली सलाम जवाब देंगे जाओ हजरत नूह अली सलाम को चले जाओ, वो तुहाडे बारे सिफारशा कर देंगे, वो सारी उम्मत इधर उल्ट पैगी। ए हजरत नूह अली सलाम जी तुसी अल्लाह दे नबी हो, तुसी प्यारे नबी हो, ते असी बड़े परेशान, जरा सिफारशा ते कर दियो ना अल्लाह दे दरबार अंदर साडे बारे भी सिफारिश कर दियो। हजरत नूह अली सलाम जवाब दे देंगे, हजरत इदरीस अली सलाम को जानगे उधरों भी जवाब मिल जाएगा। हजरत खलीलुर रहमान इब्राहिम अली सलातु वस्सलाम अल्लाह दे बड़े ही बरगुजीदा नबी ते पैगंबर गुजरे ने, अल्लाह अकबर रब ने जिन्हां नूं अपना दोस्त आखे आए कि इब्राहिम मेरा खलील है, मेरा दोस्त है, मेरा प्यार है, जदों एदे कोल उम्मत आएगी ना ते आखनगे नहीं नहीं मैं भी सिफारिश कर सकदा नहीं। रब अज इन्ना गुस्से दे अंदर जे पहले कदे रब इन्ना गुस्से दे अंदर नहीं आया, ते इधरों जवाब मिले ते हजरत ज़बीउल्लाह को चले जाएंगे। प्यारे इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस सलाम जरा तुसा ही चलो सिफारशा कर दियो, बाबा जी आदम को सानू जवाब मिल गया, प्यारे नबी नूह अलैहिस सलाम को भी सानू छुटकार जनाब झिड़क मिल गई है, यानी जवाब मिल गया है। प्यारे खलील ने भी जवाब दे दिता है, प्यारे ज़बीउल्लाह जरा तुसा ही सिफारश कर दियो। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह दी अखां चो आंसू आ जाएंगे, नहीं ओ उम्मत दे लोगो मैं भी सिफारश नहीं जे कर सकदा, अज दा दिन बड़ा सख्त है, अज दियां हौलां कियां और रब बड़ा गुस्से दे अंदर है, ते मैं भी सिफारश नहीं कर सकदा। इधरों जवाब है ते इधर जना हजरत मूसा कलीम कोला जानगे, ए प्यारे कलीमुल्ला तुसा ही अल्लाह दे हां सिफारशा करो ना साडे बारे के अल्लाह साडे ते रहम फरमा देवे, अल्लाह साडे ते करम फरमा देवे। हजरत मूसा कलीमुल्ला भी जवाब दे देंगे, हजरत ईसा रूहुल्ला को लांगे इधरों भी जवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर हाय अल्लाह ए की बन गया है, ओ सुनियो दिन ही इन्ना सख्त ते भारी है, अल्लाह अकबर पता जे किन्ना सख्त भारी, और जिथे आदम ते ईसा ते मूसा भी डोले, और जिथे आदम ते ईसा ते मूसा भी डोले अलैहिम सलाम, यूसुफ ते यूनस लोकन सारे ओले, हर नबी ओथे इहो बोल बोले, बिना मुस्तफा दे छुटकारा नहीं होना, मुहम्मद नु छड़िया गुजारा नहीं होना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी पीरों ते सहारा नहीं होना। गल एवे इत्थे गौर कर लो, नबी अली सलाम असी क्यों दुआइयां देने आ, और नबी पाक अली सलातो वसलाम दी सीरत ते अमल कीता जाए, मेरे पैगंबर दी जिंदगी साडे वास्ते बेहतरीन नमूना, और नबी दी एक एक सुन्नत साडे वास्ते आइडियल ते नमूना, नबी दी एक छोटी सुन्नत नूं समझ के छड़ी ना, ए दे तो किनारा कशी ना करी, क्योंकि एहो ही नबी है। जगर सुन्नतां ते अमल दुनिया ते करांगे, क्यामत वाले दिन नबी अल्लाह दे हां सिफारशी बनेगा। इत्थे जनाब फिकर नहीं, हाँ हाँ ओ दसिया जांदा है, जनाब साफ बनाओ ते नबी अली सलाम दी सुन्नत है, पैर दूसरे भाई दे पैर नाल मिलाना, नबी दी सुन्नत ते कोई टस तो मस नहीं हुंदा, और सीने ते हाथ बनना नबी दी सुन्नत है, ते टस तो मस नहीं हुंदे, और रफल यदैन करना आमना ते लाल अली सलाम दी सुन्नत है, ते जनाब किसे नू कोई फिकर नहीं, और सोनिया सूरह फातिहा पढ़नी नबी दी सुन्नत, नबी दा फरमान है, कोई जनाब टस तो
मस नहीं हुंदा। आज जनाब मामूली गल समझ के मामूली बात समझ के इग्नोर कर देना, कल क्यामत दा दिन होएगा सारे नबी जवाब दे देंगे। एक कोई नबी बचेगा सफारशी जेड़ा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर सुन जनाब सारे लोग आए ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओए सारे नबियां कोलो होए आए हो? जी होए आया, सारे जवाब दे छड़े है। हाय हाय हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हाँ उन्होंने भी जवाब दे दिता है। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह उधरों भी जवाब, जी हाँ उधरों भी जवाब। प्यारे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम उधरों भी जवाब, तुसी भी जवाब दी बैठे हो। तो करिए कि जाइए किधर, इन्नी सख्ती है शिद्दत दी गर्मी। हाय हाय हजरत ईसा अलैहि सलाम फरमान गए और गल सुनो, खलीलुल्लाह कोलो हो आए हो जवाब मिल गया, ज़बीउल्लाह कोलो हो आए हो ते जवाब मिल गया, कलीमुल्लाह कोलो हो आए हो ते जवाब मिल गया, मैं रूहुल्लाह कोलो भी जवाब। एक हस्ती है जेदा नाम हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत आ गई नीवी पाइए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोनिया सारे पासों जवाब मिल गया, तो हुण तुसी मेहरबानी फरमाओ, हुण ये ओ लोग ने कि जेडे दुनिया ते रह के मेरे मुहम्मद की सुन्नत नू अहमियत दिती होएगी, जिन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें जनाब सुन्नत की मुखालफत की थी, एक एक सुन्नत की मुखालफत। इत्थे झगड़ा इनू सुझदा है तो नबी की सुन्नत से सुझदा है, ये लड़ाई करदा बहस करदा तो नबी की हदीस और नबी की सुन्नत से बहस करदा। हाय हाय कल क्यामत का दिन होएगा जो सारे वालों जवाब मिल जाना, तो एको मेरा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडा पीर रह जाएगा, ओदे कोल जाएगा। सोनिया किहड़ा मुँह लैके जाएगा, की आखेगा सिफारिश करो किहड़े मुँह नाल, अगर दुनिया ते मुखालफत की होएगी की कहेगा जाके मेरे मुहम्मद नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते जड़े दुनिया ते रह के मेरे नबी नू राजी कीता, यानी नबी दी अतात तो फरमा बरदारी की है ना, मेरे पैगंबर अली सलाम नू जदो जाके आखनगे सोने मेहरबानी करो आओ रहमान दे दर ते, आओ रहमान दे दरबारे ते सिफारिश कर दियो। मेरे पाक पैगंबर अली सलात व सलाम इंज उम्मत वल भी नजर दौड़ानगे ते रहमान दी रहमत वल भी नजर उठानगे। अल्लाहु अकबर मेरे नबी दियां अक्खां चो आंसू आका अली सलाम तुर पैणगे, उम्मतियो चलो रब दा तरला करने आ। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम उम्मत नू लैके तुर पैणगे, इंज हदीस पाक अंदर आया अल्लाह दे अर्श दे साए दे नीचे इंज उम्मत वल वेख के मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ते इंज सामने अपने रब दे अगे अर्श दे साए दे नीचे मेरे आका सजदे अंदर पै जाएंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह ए मुहब्बत वेख मेरे पैगंबर दी उम्मत दे नाल, उम्मतिया तेरिया भी जरा बेवफाइयां वेखना अपनिया बेवफाइयां वाल भी नजरां दौड़ाई ते मेरे पैगंबर दी वफा नाल भी जरा नजरां दौड़ाना। मेरे पाक पैगंबर ने सलाम दुनिया ते रह रोंदे रह ते उम्मत दी खातर अज क्यामत दा दिन होया, मेरे पाक पैगंबर ने सलाम रब अगे सजदे पै जाएंगे। इत्थे ए भी गल करा सारे लोग सारे अंबियाई करा उन्हां दे अल्फाज होंगे रब्बे नफसी अल्लाह मेरी जान बचा लै। हजरत आदम अली सलाम दे होई बोल, नू नबी दे होई बोल, हजरत ज़बीउल्लाह दे होई बोल होंगे, हजरत खलीलुल्लाह दे भी होई बोल बोलोंगे। सारे नबी कहेंगे रब्बे नफसी नाले रोंदे होंगे ते अपने बारे कहेंदे होंगे अल्लाह मैं सानू बचा ले मैनू बचा ले मैनू बचा ले। अल्लाह अकबर सोने कि गल
खालस रह ना जाए, मैं भी गल करना चाहना। जिथे नबी रोन अखा चो सुबहान, अजत वेला है भी तू भी उठ के रब दे सामने अखा चो आंसू बहा लिया कर, कदे तू भी रब अगे रो लिया कर। अज वक्त है वे अखा चो आंसू बहा के रब नू मनान दिया कोशिशां कर लिया कर। अज रहमान बड़ी ही जल्दी मन जाएगा, मेरे पैगंबर सजदे पै के आखनगे रब्बे उम्मती। मुहब्बत देखो मेरे पैगंबर दा प्यार उम्मत नाल, इत्थे उम्मती नू हुण दसो ना यारो, जेदा कलमा पढ़िया ना मुहम्मद अली सलात व सलाम दा, ओदी उस नबी दी सुन्नत है कि जनाब ए सतवां नहीं करना, तीजा नहीं करना, यारवीं नहीं करनी, चालीसवां नहीं करना। ये नबी अली सलात व सलाम दा फरमान नहीं, नबी अली सलाम दी हदीस नहीं, सुन्नत नहीं। ऐ ग्यारहवीं ते चालीसवां ते दूसरा ते तीसरा सुन्नत तो साबित नहीं। ये मौलवी उठ पैंदा, ओ मौलवी ये जिन्हों ये सुनाओ ना कि ये नबी दा फरमान नहीं है, इंज वो लैके अपनी गल्लां उठ के टुर आंदा है। ऐ फलाने बाबे ने इंज आख्या, फलाने बाबे ने इंज आख्या। वह बाबियां दे असी गुस्ताख भी नहीं, लेकिन नबी मुहम्मद अली सलातो व सलाम की सुन्नत भी छड़ी जा सकती नहीं। वो नबी वफा करेगा, रब्बे उम्मत अल्लाह मेरी उम्मत, हाय हाय मेरे आका अली सलातो व सलाम सजदे अंदर ही रब्बे उम्मत अल्लाह मेरी उम्मत। रब फरमाएगा इरफा रासा का या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिया हुन जरा सर उठा लो, जिवें हुन तुसी कहंदे जाओगे मैं रहमान उवें ही मानदा जावांगा। इरफा रासा का या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोनिया सर चुक लो, जिवें तुसी कहंदे जाओगे मैं उवें ही मनदा जावांगा। ते मेरे नबी अली सलाम उत्थे कोई और गल नहीं, अल्लाह इन्हां उम्मतियां नू ले आया वा, अरशा वाले रब्बा इन्हां नू माफ करके जन्नत दा दाखला अता कर दे। ते मेरे नबी दी सिफारिश मोड़ी जानी, वो एक ही हस्ती है जेदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के मेरे नबी सिफारिश करेंगे रब ने मोड़नी, अल्लाह कबूल फरमाएगा। ते ओ